अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो होते तो बिल्कुल नए हैं लेकिन यूज़ नहीं होते, ये वो तो चाहे टाइट हो जाते हैं या फिर छोटे हो जाते हैं या फिर उसमें कुछ कलर लग जाता है। तो ऐसे कपड़े नए होते हैं लेकिन हम उसका क्या यूज़ करें, तो आज मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैंने रहब का एक टॉप लिया है जो कि है बिल्कुल नया, एक बार उसने पहना है लेकिन ये थोड़ा टाइट हो गया और स्लीवलेस है तो वो नहीं पहनेगी, तो ये लेकिन काफ़ी मजबूत कपड़ा है तो इसका मैं एक बैग बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ इस बैग के शेप का कपड़ा काट लिया है, इसके अंदर प्लास्टिक डालूंगी तो वो भी मैंने इसी के साइज़ का काट लिया है। ऊपर से थोड़ा कपड़ा मोड़ूंगी तो मैंने कपड़ा थोड़ा बढ़ा लिया है। तो पहले मैंने कपड़ा दोनों साइड का मोड़ लेना है, वो दोनों मतलब कि दोनों साइड का जो कपड़ा है उसको थोड़ा थोड़ा ऊपर मोड़ लेंगे। उसके बाद यहाँ मैंने इसे अटैच कर लिया है और फिर चारों तरफ मिला के सी लिया है। ऊपर थोड़ा सा लैस भी पहले लगा लिया था तो अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए एक बैग का शेप आ गया और ये देखिए मैंने कोना निकाल दिया है। और ये टॉप में ना एक पॉकेट भी था तो उसे भी मैं बीच में लगा दूँगी ताकि और भी कुछ चीज़ें इसमें आ सके। तो पॉकेट को भी मैंने इस पर अटैच कर दिया और थोड़ा सा इसके कॉर्नर में लैस लगा दिया। तो लैस बस मेरे पास इतना ही था, नहीं तो मैं ऊपर भी थोड़ा सा लगा देती तो ये और भी अच्छा लगने लगा। तो ये टॉप में एक तरफ ना ये फीता भी लगा हुआ था तो उसी से मैंने बो बना के और ये चिपका दिया है। तो ये मेरा बिल्कुल जो बाल मार्केट की तरह बैग बन के तैयार हो गया है। और इसी के बेल्ट का मैंने हैंडल भी लगा दिया है इसमें, तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था देखने में। आप इस तरह का बैग को आप कहीं भी जाते हैं तो सामान लाने मार्केट इसे ले जा सकते हैं, नहीं तो कहीं भी आप जा रहे हैं तो इसमें पानी का बोतल और लंच वगैरह भी ले जा सकते हैं। तो मैं इसे पार्लर ही ले जाऊंगी पानी वगैरह करके, और ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मैंने बड़ा बनाया है तो इसमें स्पेस भी ज़्यादा है। और चाहे ऊपर से आप जिप भी लगा सकते हैं तो और भी अच्छा होगा, मैंने अभी इसमें जिप नहीं लगाया है। और ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल जिस तरह से हम बाज़ार से लाते हैं ना बिल्कुल वैसा ही। नेक्स्ट ये मैं वाइट टी शर्ट है, इसका बना रही हूँ कुशन कवर। तो ये भी टाइट हो गया है लेकिन बिल्कुल नया है ये। तो इसके साइज़ का मैं पहले कुशन कवर मैंने कई बार बताया है, बहुत ही आसान होता है इसे बनाना, बस दो साइड काट लिया जाता है और पीछे का थोड़ा बड़ा काटा जाता है क्योंकि हम उसमें कटिंग करके उसे मोड़ेंगे भी अंदर डालने के लिए। तो इसी तरह से मैंने एक रेड भी बनाया है प्लेन, वो भी टी शर्ट ही का बनाया था। तो बहुत ही ईजी होता है और ये जो टी शर्ट के कपड़े का है ना तो काफ़ी मजबूत ये तैयार होता है। आस्तीन भी मैंने काट के निकाल लिया, उसका भी कुछ यूज़ हो जाएगा। तो बस ये मैं कुशन कवर मेरा ये बन के रेडी हो गया है। इस पर मेरे पास आर्टिफिशियल फ्लावर था वो मैं चिपका दे रही हूँ। आप इसमें अपने हाथ से भी कुछ कढ़ाई कर सकते हैं, धागा वगैरह से पेंट करके बना सकते हैं, तो जो चाहे बना लें। ये वाइट है, इस पर कोई भी चीज़ अच्छा ही लगेगा। और ये पहले मैं अभी इसे ग्लू गन से चिपका लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं ना इसे धागा से इसे मजबूती दे दूँगी। अभी मैं बस इस तरह से चिपका लिया है। टहनी भी बनाने के लिए आप चूँकि इसमें भी ग्रीन धागा हो और या ब्राउन धागा हो तो उससे भी आप किसी भी तरह का सिलाई चला सकते हैं, उल्टी बखिया या मोटा या फिर जंजीर। ये भी मैं ये पेंट से हल्का फुल्का इस तरह से बना ले रही हूँ, बस 2 मिनट लगता है और ये खूबसूरत सा बनके कुशन कवर तैयार हो गया है। किसी भी तरह का आपका टी शर्ट होना तो उससे आप ये बना सकते हैं, बस कोई भी कलर का, और ये काफ़ी मजबूत बनता है। अब ये मैंने इसमें डाल दिया है कुशन को। और इसी तरह से मैंने ये एक रेड टी शर्ट का भी बनाया था जिसमें मैंने धागा से बनाया था, लेकिन अभी इसमें ग्रीन धागा नहीं है तो मैंने इसका डंटी नहीं बनाया। और ये देखिए धागा से मैंने रोज स्टिच बनाया था तो ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। जब मैं इसे लगाऊँगी तो आप लोग को दिखाऊँगी। इसी के साथ ये सरग वाला है ना कुर्ती सेट था, इसका इनर वाइट कलर का था लेकिन उसमें कलर लग गया है तो फिर बिल्कुल भी यूज़ के लायक नहीं है, और इस तरह का किसी को दे भी नहीं सकते हैं बिना लाइनिंग वाला। तो इसका और ये थोड़ा सा कहीं पे होल भी हो गया है तो फिर ये यूज़ के लायक नहीं है। तो इसका मैं बनाऊँगी मसंद कवर होता है ना वो, तो थोड़ा ये उड़ेबी कपड़ा में है तो दिक्कत होता है, लेकिन मैंने इसे कटिंग करने में मुझे एक तरफ से कपड़ा काट के ज़्यादा निकालना होगा, बस नाप से 4 चकोर कपड़ा हमें काट लेना होगा। इसके आस्तीन भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसका भी हम यूज़ कर लेंगे। तो
तो सबसे पहले यहाँ मैंने मसंद लिया है और इस तरह से मैं इसका अभी दो बनाऊंगी, इसमें दो आ जाएगा क्योंकि छोटा ही रहा है मसंद। और इसके बाद इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा, और ये मसंद बनाना सबसे ही ईजी होता है क्योंकि बस ऊपर नीचे बस सिलाई मारना होता है, जिसमें कि हमें जो है ना नारा डालना होता है और जिस दोनों तरफ को पकड़ के सी देना होता है। बहुत ही आसान, बिल्कुल 5 मिनट में ये सिला जाता है। मसंद कवर बनके तैयार हो गया है। मैंने इसमें फीता डाल लिया है जो कि इसमें बेल्ट था, और इसमें जो है ना अच्छा सा इसमें लटकन भी लगा हुआ, लेसेस मैंने लगा दिया है। मेरे पास बस इतना ही सा लेस था, नहीं तो ऊपर नीचे भी लगाती तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता। और ये मैंने लिया है ये जो कोको कोला का बोतल होता है ना, उसको बस मैंने ऊपर चाकू गरम करके इस तरह से काट लेंगे, बहुत ईजिली कट जाएगा। और इसका आस्तीन जो था ना, बस हम इसमें जो है ना इसको कवर कर देंगे। और ये देखिए, आप इसे फैब्रिक ग्लू से या जो ग्लू गन से किसी भी चीज़ से चिपका सकते हैं। और अगर ये दोनों चीज़ ना होना तो इस तरह से इसमें अंदर डाल के, और नीचे वाला जो पार्ट है उसमें आप रबर बैंड भी लगा देंगे तो ये पूरा अच्छी तरह से सिक्योर हो जाएगा, यानी कि निकलेगा नहीं। और इस पर मैंने पीछे देखिए हैंडल भी लगा दिया है और थोड़ा सा रिबन और फ्लावर लगा दिया है, तो ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में। तो आप इसे मल्टीपर्पज़ चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें जो है ना ये जो पॉलीथीन वगैरह आता है जो टाइम पे मिलता रही है वो इसमें डाल सकते हैं, छोटे छोटे कपड़े डाल सकते हैं डस्टिंग के लिए, किचन क्लीनिंग के लिए, या फिर आप इसमें बच्चों के पेन पेंसिल या ब्रश वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। कहीं पर भी आप इसे हैंग कर देंगे ना तो ये देखने में भी खूबसूरत लगेगा, और ये मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र है। तो देखिए मैं इसे ना अभी किचन में टांग रही हूँ, और इसमें मैं थोड़ा सा ये भी पॉलीथिन से रखूँगी क्योंकि ये टाइम पे मिलते नहीं रहते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो, प्लीज़ पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।